थोड़ा पीछे आइए आप लोग, थोड़ा पीछे आइए तो सब लोग देखिए सामने थोड़ा सा। एक बार देखिएगा सब लोग पीछे वहाँ के थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा। माधुरी निदान केंद्र से पंकज कुमार जी, अनिता चौरसिया जी, चित्रांश डायग्नोस्टिक सेंटर से। अभी आप देख रहे हैं कि सिवान में दशहरा का पूरा दशहरा और नवरात्र का पूरा धूम मचा हुआ है और सिवान के भगवान पैलेस में इसी नवरात्र में डांडिया की धूम मची हुई है। बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट बच्चियाँ मौजूद हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं और डांडिया का खूब मजा ले रही हैं और ये कार्यक्रम बिहार के सबसे बड़ा बैनर जो अखबार का बैनर है हिंदुस्तान अखबार उसके द्वारा कराया जा रहा है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर्ड हैं उनमें से एक अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब कैसा लग रहा है सिवान में जो ये डांडिया का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको, आपके श्रोताओं को और पूरे सिवान वासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह का आयोजन सिवान में होने से माहौल बहुत अच्छा बनता है और ये औरतों का प्रोग्राम है, महिलाओं का प्रोग्राम है और इसमें बच्चियाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इससे इन लोगों का उत्साह और अच्छा ये होगा, उमंग बढ़ेगा। ठीक है महिलाओं, अनवार साहब ये कार्यक्रम तो पहले गुजरात और महाराष्ट्र में होता था, वहाँ बड़ी धूम से, लेकिन अब ये बिहार में भी और ख़ास करके सिवान में लगातार ये डांडिया का आयोजन हो रहा है। तो ये आयोजन मैंने एक नया दशहरा का आगाज़ कर रहा है। जी जी, एक नया ट्रेंड ये चल रहा है, कुछ दिनों से चल रहा है, हर साल होता है ये और हिंदुस्तान अखबार की तरफ से आयोजित है। हम लोग इसमें को स्पॉन्सर कर रहे हैं और दो तीन जगह और भी डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है और हम लोगों को ऐसा लगता है कि सिवान में इससे अच्छा माहौल बनेगा और महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा। कैसा यहाँ का जो व्यवस्था है वो कैसा है? बहुत अच्छा व्यवस्था है और इसके लिए मैं हिंदुस्तान अखबार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिवान के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दशहरा का मौका है, डांडिया का मौका है और सिवान वासियों से मैं यही आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक इस दशहरे को मनाएं और अच्छे माहौल में, और सिवान में शुरू से ही शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में दशहरा बनता है। तो यही आग्रह है कि इस साल हम इस हर वर्ष की भांति इस साल भी अच्छे तरीके से ये बीत जाए त्यौहार, इसी के लिए मैं आग्रह करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ अनवार साहब मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये परिचय के मोहताज नहीं है, सिवान का जो दरबार सिनेमा है वो सभी एक बच्चा बच्चा भी जानता है और उस दरबार परिवार से अनवार साहब हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, सभी कभी किसी धर्म या संप्रदाय में भेदभाव नहीं किया और आज अनवार साहब अगर नवरात्र के डांडिया में शामिल हैं, यहाँ पे इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अगर वो यहाँ मौजूद है तो ये दर्शा रहा है कि सिवान जो हमारा है ये कौमी एकता का प्रतीक है। सभी लोग, हिंदू मुसलमान सभी लोग एक साथ अपने त्यौहार को मनाते हैं। हम इसी तरह लगातार आपको डांडिया इस आयोजन में जितने लोग शामिल हुए हैं लगभग लोगों से बातचीत होगी कि ये डांडिया का कार्यक्रम उनको कैसा लगा।